ಬಂದೆ ಕರಲೇ ಲೈ ಆದ್ರೆ ಮಾತೇ सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब बढ़िया होंगे। सो आज हम जा रहे हैं अमरनाथ जी, बाबा बर्वानी जी के दर्शन करने। सो व्यू आप देख सकते हैं, इतना बढ़िया व्यू है यहाँ का। हम निकले थे कल रात को और आज सुबह हम पहुँचे हैं श्रीनगर। बहुत ही हसीन वादियाँ हैं यहाँ पर, और यहाँ देखिए यहाँ आपको BSF आर्मी वाले ऐसे देखने को मिलते रहेंगे। इन्हीं के साथ आपको श्रीनगर से आगे बालटाल तक ले जाया जाता है, और बालटाल से फिर जो यात्रा है वो है 14 किलोमीटर की पैदल यात्रा, जिसे करने के बाद हम पहुंचते हैं बाबा जी की गुफा में, जहां पर उन्होंने पार्वती माता जी को अमर होने की कथा सुनाई थी। सो फ्रेंड्स, बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। सो फाइनली दोस्तों, दो दिन के बाद हम पहुंच चुके हैं बालटाल, जहां से होगी हमारी पैदल यात्रा स्टार्ट। नज़ारा चेक कीजिए, और ये हमारे संगत भोलेनाथ जी की संगत, सब दर्शन करने के लिए अमरनाथ जी जा रहे हैं, और यहां आकर अपना कार्ड जरूर बनवाएं। और ये लाइन और कार्ड हमारा बन चुका है, पर हम जा रहे हैं बाबा जी के दर्शन करने। एक बार आप हसीन वादियाँ चेक कीजिए, इतना बढ़िया नज़ारा है यहाँ का, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़। और ये हमारे अंकू जी बड़े ही खुश हैं। सो फाइनली दोस्तों, हमने ट्रैकिंग कर दिया स्टार्ट, और ये हमारे साथ अंकू जी, और ये हमारे मामा जी, मामी जी, और हमारी भोलेनाथ की सेना हमारे साथ साथ चल रही है। अभी तो हमारी स्टार्टिंग है, और ये हमारे अंकू जी बड़ी खुश हैं। इनकी तरफ से सबको हेलो, बोलो शंकर भगवान की जय। सो फाइनली दोस्तों, ये यहाँ की है मार्केट, जहाँ से आप कुछ भी सामान वगैरह ले सकते हो अगर आपने लेना है। प्रसाद वगैरह आपको यहीं पे मिलेगा, और आपको आगे ऊपर जाकर भी मिल जाएगा। सो फाइनली दोस्तों, यहाँ से होगा हमारा ट्रैक स्टार्ट। तब तक देखिए आप हसीन वादियाँ। इसके बाद जो मेन एंट्री है वो पोस्ट है, पोस्ट क्रॉस करने के बाद हम पहुंच जाएंगे बालटाल, जहां से पैदल यात्रा स्टार्ट। तो फाइनली दोस्तों, आप रास्ता देख सकते हैं, यहां से सुबह 4:30 बजे हम करेंगे अपना ट्रैक स्टार्ट बाबा बर्फानी की गुफा के लिए। तो फाइनली अर्ली मॉर्निंग हमने ट्रैक कर दिया स्टार्ट। अभी बज रहे हैं 4:30, और यहाँ से है पैदल यात्रा, जो कि है पूरे 14 किलोमीटर की। नज़ारा आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ का। और यह हमारे आर्मी, जो इंडिया की आर्मी है, पूरी सपोर्ट करती है पूरे श्रद्धालुओं को, जो भी बाबा बर्फानी जी के दर्शन भी आते हैं। और हमारे साथ हमारे अंशु जी बहुत ही खुश हैं। और नदी को आप चेक कर सकते हैं, इतना बढ़िया नज़ारा। ये व्यू आपको पूरे रास्ते मिलेगा, जो ये नदी है ये भी पूरे रास्ते मिलेगी। और ये हमारे भोले शंकर पशुपतिनाथ जी की मूर्ति है यहाँ पर, हर हर भोले। तो यहाँ पे आपको खाने के लिए शिवल वगैरह सब मिलेगा। ये देखिए, यहाँ पर जो झरना था वो ओवरफ्लो हो गया था, जिसका नज़ारा आप देख सकते हैं। लेकिन फिर भी संगत चल रही है, और ये जो हसीन वादियाँ हैं, जो बर्फ़ की, बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। और इनसे निकलता हुआ जल यही आगे जाके नदी बनता है। आपको आगे जाके ग्लेशियर ऐसे ही देखने को मिलेंगे। जब सूर्य की धूप इन पर पड़ती है, तो हसीन वादियों की तरह
सफ़ेद चादर के रूप में ये बड़े ही सुंदर दिखाई देते हैं। और ये हमारे भोलेनाथ जी की संगत दर्शन करने के लिए जा रही है। भोले जी भंडारी जी आ रहे हैं। भोले बम बम भोले। सो फाइनली दोस्तों, हमें चलते हुए ट्रैकिंग करते हुए लगभग 4 घंटे का समय हो चुका है और 4 घंटे बाद यहाँ का नज़ारा चेक करो आप। सो फाइनली अब 3 से 4 किलोमीटर रहता है, उसके बाद हम होंगे बाबा बर्फानी जी की गुफा में। लाज राखिए, आने लाग रहा हूँ, चिंता कोई नहीं। देखो इतने बड़े बड़े क्यों। बाकी मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि साल में पैसे भी कमाएं और धार्मिक स्थानों पे भी जाएं, जिससे मन को शांति और टांगों को आपको आराम मिलेगा। एग्जाम्पल आप दोनों को देख सकते हो, जा रहे हैं हमारे भोले बाबा, जा रहे हैं हमारे दोनों, भाग भाग कर जा रहे हैं। नैशु बोल रहे हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो हम आए हैं बाबा बर्फानी जी के दर्शन करने। हमने आज सुबह 4:30 बजे पैदल यात्रा स्टार्ट की थी। सो फाइनली अब 5 घंटे के बाद हम पहुंच चुके हैं बाबा जी की गुफा में। बस थोड़ी देर में हम करेंगे बाबा जी के दर्शन, बने रहिए तब तक हमारी अगली वीडियो में। थैंक यू। बन रहे हम लोग। सो दोस्तों, आप ये सारी बर्फ देख सकते हैं, बिल्कुल वाइट चादर की तरह। जब सूर्य की किरणें इन पर पड़ती हैं तो ये हीरे की तरह चमकती हैं। हाँ जी। तभी कहते हैं कि हमारे महादेव को पाना इतना आसान नहीं है, इसलिए उन्हें देवों को देव महादेव कहा जाता है, जो कि हमारे भोले भंडारी हैं, जो दान में देते समय अपना सब कुछ दे देते हैं। अगर इनको पाना है तो ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ये देखो पानी। पानी मतलब फिर पैर गिरे हो, एक गिल्ली हो गई अच्छा है तो उससे। हाँ, मेरी तो जराब भी गिल्ली होगी। मैं मर गई जाऊँगी। देखो फोटो फाटो खींचता हमें। देखिए हमारे बच्चे आए हैं। अरे भोले के भक्त, और वो बैठे हैं हमारे नंदी महाराज जी। और वहाँ बैठे हैं हमारे महादेव। जय नंदी। हर हर महादेव। ये वाला थोड़ा भी ज्यादा नहीं, खड़े हो जाते हैं ना।
दोस्तों, हम आ चुके हैं बाबा गुफा नई गुफा में। हाँ जी। जो आप सामने देख सकते हैं, अभी अभी हमने देखा चूहा, इतना बड़ा चूहा था। हमारे घर में होते हैं इतने इतने, लेकिन वहाँ था इतना बड़ा, जिसे देखकर हमारी अंशु जी और कुमकुम जी बहुत ही हैरान होगी। इनको देख सकते हैं, चेहरा देखिए इनका, इतना लाल हो गया है। बस 15 मिनट के अंदर हम होंगे बाबा जी की गुफा में। बाकी हमारे घर के पीछे आ रहे हो, उन्हें भी देखना मैंने कि दिखा भी दर्शन कराओ मैंने। नदी किनारे बह जाइए। हम आ चुके हैं बाबा गुफा नई गुफा में। हाँ जी। जो आप सामने देख सकते हैं, अभी अभी हमने देखा चूहा, इतना बड़ा चूहा था। हमारे घर में होते हैं इतने इतने, लेकिन वहाँ था इतना बड़ा, जिसे देखकर हमारी अंशु जी और कुमकुम जी बहुत ही हैरान होगी। इनको देख सकते हैं, चेहरा देखिए इनका, इतना लाल हो गया है। बस 15 मिनट के अंदर हम होंगे बाबा जी की गुफा में। बाकी हमारे घर के पीछे आ रहे हो, उन्हें भी देखना मैंने कि दिखा भी दर्शन कराओ मैंने। नदी किनारे बह जाइए। कोई नहीं आऊंगा, मैं आऊंगा बाद में। मैंने बहुत देखने, मेरे फैन खड़े सामने मेरे, कहना फोटो बाद में लाऊंगा ना, बाद में बाद में ना, मैं चलते कहना फिर आ रहा है मैं। चलते रहो, चलते रहो, हर हर महादेव करते रहो। जब उनकी एनर्जी, चलो चलो चलो, कंट्रोल इसके अंदर उस तरह पे होगा। यहां पे आराम से डंडा लगा ले, आराम से चलना भाई, आराम जी सर। तो आगे बढ़ने दे, सो फाइनली दोस्तों, पूरे 5.5 घंटे ट्रैकिंग करने के बाद हम फाइनली पहुंच गए हैं बाबा बर्फानी जी की गुफा में। सभी लोग दर्शन कीजिए, बोलिए हर हर महादेव। सो फाइनली दोस्तों, हमने बाबा बर्फानी के दर्शन कर लिए हैं। बहुत ही अच्छा लगा, इनको भी बहुत अच्छा लगा। यहाँ की जो स्टोरी थी वो ये थी कि महादेव जो हमारे हैं थे, उन्होंने पार्वती को अमर होने की कथा सुनाई थी, जिसमें बीच में ही पार्वती माता जी हमारे सो गए थे। वो सुनने में आता है कि जो पूरी कथा थी वो कबूतरों ने सुनी थी, इसलिए वो अमर हो गए थे। ये जो यहाँ की हिस्ट्री है, इसलिए इन्हें बाबा बर्फानी कहते हैं। यहाँ हर साल अपने आप बाबा जी का शिवलिंग बनता है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।